और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, जो पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब से कुछ देर पहले सौरव गांगुली को वुडलैंड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक सौरव गांगुली का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वगैरह नॉर्मल है और फिलहाल वो घर पर ही होम आइसोलेशन में रहेंगे। सौरव गांगुली 26 दिसंबर को कोरोना से संक्रमित होकर वुडलैंड अस्पताल में दाखिल कराए गए थे और कुछ दिन के बाद ही अस्पताल प्रबंधन ने इनके स्वास्थ्य में सुधार देखकर उन्हें रिलीज करने का फैसला लिया। এবং দেখা যাচ্ছে তিনি তার প্রিয় যে গাড়ি যে চেতন তিনি বাড়িতে ঢুকে গেলেন এবং বাড়িতে তার গাড়ি একটা আলাদাই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে বাড়ির লোকেদের মধ্যে। তার বাড়িতে যে কর্মীরা রয়েছেন তারাও এগিয়ে এসেছেন সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার বাড়িতে সেই ছবি আমরা সরাসরি তুলে ধরছি রিপাবলিক বাংলার পর্দাতে। দাদা সামনে থেকে একটু ছেড়ে যান, দাদা দাদা সামনে থেকে কথাটা ঢুকিও না, দাদা সামনে থেকে একটু ছেড়ুন, सौरव गांगुली फिलहाल अपने बेहाला स्थित घर पहुंच चुके हैं और कुछ दिन के लिए वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। वहीं डॉक्टर्स भी उनके मेडिकल रिपोर्ट्स पर बराबर निगाह रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टेक इंडिया।